हमारे फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ फ्रूट पेस्ट्री की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम बिना बेक किए हुए बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पैन में आधा लीटर पानी डाल देंगे और इसमें 100 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे। इसे उबालने पर पका लेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। अभी चाशनी उबल चुकी है, अब हम गैस को बंद करके इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक चाशनी ठंडी हो रही है तब तक हम क्रीम व्हिप कर लेते हैं। ये मैंने एक कटोरी व्हिप क्रीम ले ली है, इसमें मैं एक चम्मच शुगर पाउडर डाल दूंगी और 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस। अब इसे मैं स्टिफ पीक्स आने तक इसे व्हिप कर लूंगी। स्टिक पीक्स बन गए, ये देखिए। अब ये व्हिप क्रीम एकदम रेडी है। अब हम इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब ये चाशनी भी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स काट के रख लिए हैं, अनार, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, एप्पल, ये सारे हम चाशनी में डाल देंगे। इससे चाशनी में डालने में फ्रूट्स भी मीठे हो जाएंगे और इसका जो रस है वो हमें फेंकना नहीं है, वो हमें आगे काम आएगा हमारी रेसिपी के। अब इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि फ्रूट्स अच्छे से मीठे हो जाए। चाशनी में रखे हुए भी 1 घंटा हो गया है, अब हम इसे छान लेते हैं। सारे फ्रूट्स को हमने छान लिए, अब इसे जूस से इसे हम अपनी रेसिपी में डालेंगे। ये मैंने 3 बड़ी ब्रेड की 3 स्लाइसेस ले लिए, इसके मैं साइड्स कट कर लूंगी। इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस, ये मैंने टर्न टेबल की जगह घर पर ही नीचे एक बर्तन रखे, ऊपर थाली रख के टेबल तैयार कर लिया। अब हम इसके ऊपर ये फ्रूट्स का जूस डालेंगे जो हमने चाशनी बना के रेडी किया था। इसे अच्छे से इसके ऊपर जूस डालेंगे। किनारों पर अच्छे से डालना
से फ्रूट्स। इसके सेंटर में लाइंस लगा दी। ये थोड़ी सी स्पेस में मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब इसी तरह से इस साइड में मैं सेम इसे मैं एक बार कट करके दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम मार्केट जैसी, पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रेड से बनी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।